सलाम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी डैड। सो गाइस, आज के अपने वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप लोग अपनी अनसिक्योर वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो है हमें SSL इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि प्रीमियम है, लेकिन हम लोग जो है इस बार अपनी इस वीडियो के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट SSL को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। मैं वेबसाइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट जो है इसे आगे नहीं जा रही, एडवांस से जाके जो हम लोग अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर HTTPS भी आया हुआ है, ठीक है ना। हमारा जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS में है, बट प्रॉब्लम क्या है, स्टिल हमारी वेबसाइट के अंदर जो है SSL इंस्टॉल नहीं है। तो मैं जो है सबसे पहले एडवांस में आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं प्रोसीड टू अनसेफ मोड, ठीक है, इसमें जा रहा हूँ। सो ये हमारी वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। नाउ अब जो है मैं चला जाता हूँ इसके डैशबोर्ड के अंदर। ओके गाइस, इस वक्त जो है मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले जो है हमें SSL को इंस्टॉल करने के लिए हमें प्लगइन अपने पास इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए जो मैं प्लगइन्स पर होवर करता हूँ एंड ऐड न्यू पर क्लिक कर दूंगा। एंड इस जगह पर जो है मैं सर्च करता हूँ सिंपल SSL। एंड ये जो सेकंड वाला प्लगइन है, ठीक है ना, आप लोगों ने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। एंड देन एक्टिवेट। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, SSL को इंस्टॉल करने के लिए हमें हमारी होस्टिंग की लॉगिन डिटेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की वेबसाइट मस्ट है कि सी पैनल पर होस्टेड होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग कोई भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें आप लोग चेक करें, अगर आप लोगों के पास सी पैनल की लॉगिन डिटेल है, आप लोग सी पैनल तक एक्सेस कर सकते हैं, देन जो है आप लोग इस SSL को इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलें, हमारा जो प्लगइन था वो एक्टिवेट हो गया। और ये जो फ्री वाला SSL है ना, ये SSL आप लोगों के पास सिर्फ 3 मंथ के लिए होता है, मीन 90 डेज़ के लिए। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पेज ओपन हो गया। अगर आप लोगों के पास ये पेज ओपन नहीं होगा तो आप लोगों ने डैशबोर्ड से इस साइड बार के अंदर यहाँ पर चेक कर लेना है। सेटिंग के नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा WP इंक्रिप्शन, एंड यहाँ से आप लोगों ने WP इंक्रिप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर आना है और फ्री वाले प्लान को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इस पर आने के बाद आप लोगों ने इस जगह पर अपना ईमेल डालना है। मैंने इसका डमी ईमेल डाल दिया क्योंकि मेरे क्लाइंट की वेबसाइट में उसका ईमेल नहीं डालना चाहता कि उसे मार्केटिंग ईमेल्स वगैरह ना आ जाएँ, तो मैंने abc@gmail.com यहाँ पर ही डाल दिया। उसके बाद जो है मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ कि हमारा जो SSL है वो हमारी वेबसाइट चाहे www हो या नॉन www वर्जन में हो तब भी जनरेट हो जाए। तो वो कह रहा है कि भाई हमारी वेबसाइट जो है इसमें है, ठीक है ना, तो हमें जो है इसे ओके कर देना है, ये ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगा। और इन दोनों को हमें जो है चेक मार्क करना है, और फर्स्ट वाले को लाजमी से चेक मार्क कर देना एंड देन जनरेट SSL पर क्लिक कर देना है। एंड देन हमारा सेकंड स्टेप होगा हमारी जो डोमेन है उसकी वेरिफिकेशन, ठीक है ना। उसके लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो है आप लोगों ने ये जो फाइल आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है इसे डाउनलोड करना है। सिंपली इसको क्लिक करें और ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। देन आप लोगों ने सेकेंड स्टेप जो है अपने FTP में या फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, अपने होस्टिंग के जो पैनल है सी पैनल है या होस्टिंग यूज़ करना है तो स्केच पैनल है उसमें जाना है। स्टेप 3, आप लोगों ने अपने नेविगेट में जाने के बाद अपने डोमेन या सब डोमेन जो भी उसके फोल्डर में जाना है, देन आप लोगों ने वहाँ पर इस नाम से, ठीक है ना, val-noun, ठीक है, इस नाम से आप लोगों ने फोल्डर जनरेट करना है। उसके अंदर एक और नया फोल्डर इस नाम से जनरेट करके उसके अंदर जो है आप लोगों ने ये जो फाइल डाउनलोड की है इसे अपलोड करना है। तो मैं वापस आता हूँ अपने सी पैनल में, मैं चल जाता हूँ यहाँ से फाइल मैनेजर में एंड यहाँ से मैं चल जाऊँगा पब्लिक HTML के अंदर और मैं जो है Ctrl+F करके अपने डोमेन को चेक करूँगा। सबसे पहले कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी दूसरी डोमेन के अंदर जाकर फोल्डर बनाकर ये काम कर रहा हूँ। ओके, सो मैं इसे सर्च करता हूँ, ये रही, ठीक है, डबल क्लिक किया, ये मेरी सारी वेबसाइट की जितनी फाइल्स हैं मेरे सामने आ जाएंगी।
और ये जितनी भी फाइल्स होती हैं ना जिनके स्टार्ट में डॉट लगा होता है वो मोस्टली हिडन फाइल्स होती हैं। तो आप लोगों ने करना है सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद इस जगह से शो हिडन फाइल आप लोगों ने इसे लाजमी से चेक मार करके सेव चेंजेस कर देनी है, ठीक है। देन आप लोग जब इस फोल्डर को जनरेट करेंगे तभी आप इसे देख पाएंगे अगर आप लोगों की हिडन फाइल डिस्प्ले होंगी। तो ये मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है क्योंकि मैं इस प्लगइन को सेकंड बार जो है यूज़ करने वाला हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मेरे दूसरे वाला फोल्डर भी ऑलरेडी जनरेटेड है। सिंपली यार ये फोल्डर का ही ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके फोल्डर का नेम दें, क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करें, फोल्डर जनरेट हो जाता है। इसे मैंने ओपन किया, इसके अंदर ये जितनी भी फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं मैं इन सभी को जो है यहाँ से चेक मार करके डिलीट कर दूंगा। आप लोगों के पास यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं होगी आप लोगों ने, क्योंकि न्यू फोल्डर जनरेट किए होंगे। देन अपलोड पे क्लिक करूँगा एंड जो मेरी फाइल है इसे मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, मेरी फाइल अपलोड हो गई है। नाउ गो बैक पर क्लिक करते हैं एंड हम लोग वापस जाएंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर एंड यहाँ से जो है मैं वेरीफाई HTTP चैलेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। ओके, डोमेन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास है इंस्टॉल सर्टिफिकेट। सो इसके लिए मैं वापस आता हूँ सी पैनल में, इसे क्लोज करूँगा। सी पैनल में आकर यहाँ पर मैं सर्च करूँगा SSL एंड जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। एंड नाउ इस जगह से आप लोगों ने चले जाना है मैनेज SSL साइट्स में। स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ से आप लोगों ने अपने डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो मेरी डोमेन ये रही, मैं इसे जो है सिंपली सिलेक्ट करता हूँ। इस जगह से आकर इस सबसे पहले CRD कोड, ये सिंपली कॉपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, वापस आना है एंड इसके अंदर जो हम लोग अपने कोड को पेस्ट करेंगे। सेम इसी तरह से प्राइवेट जो हमारी की है मैंने उसे कॉपी किया है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे मैंने इसे पेस्ट कर देना है एंड हमारा CA बंडल। हाँ, CA बंडल सिंपली इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड स्क्रॉल डाउन एंड पेस्ट। इसके बाद इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दूंगा एंड नाउ ओके। इतना करने के बाद जो है आप लोगों ने वापस आना है अपनी वेबसाइट के अंदर एंड नीचे आकर एनेबल HTTPS नाउ पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, ये जो सर्टिफिकेट आप लोगों की वेबसाइट में इंस्टॉल होगा ये 90 डेज के लिए होगा, ठीक है ना। आफ्टर 90 डेज ये एक्सपायर हो जाएगा, आपने दोबारा से जो है प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है, डिलीट कर देना है, दोबारा से उसे इंस्टॉल करके सेम इसी प्रोसेस को जो है आप लोगों ने दोहराना है जिस तरह से मैंने अभी किया है। प्लगइन मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, सर्टिफिकेट मैं यूज़ कर रहा था, 90 डेज के बाद वो एक्सपायर हुआ है, मैंने जो दोबारा से प्लगइन को इंस्टॉल किया एंड देन उसी प्रोसेस को आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। और अभी आप लोग देखेंगे थोड़ा टाइम लेगा एंड देन जो है हमारी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट एनेबल हो जाएगा। सो मैं जो यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये मुझे डेट बता रहा है, ठीक है ना, इस डेट को जो है मेरी वेबसाइट का SSL जो एक्सपायर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इस डोमेन नेम को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, अभी तक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉट सिक्योर आ रहा है, इसे मैंने किया कॉपी। हमारी वेबसाइट ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी है, मैं आप लोगों को उसका प्रूफ देता हूँ। न्यू टैब दोबारा से ओपन करता हूँ, कंट्रोल वी दबाकर मैंने लिंक को पेस्ट किया एंड देन एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था इस जगह पर नॉट सिक्योर लिखा हुआ था और HTTPS आकर रेड कलर का था और ऊपर जो है उसे क्रॉस करने का ऑप्शन आ रहा था। सो अब चेक करें वेबसाइट सिक्योर हो गई है। इस तरह से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट के अंदर SSL इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।